हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शास्ता। आई एम शास्ता। सो टुडे वी विल डिस्कस दी कट ऑफ एनालिसिस ऑफ योर पर्टिकुलर पेपर दैट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय HPU ऑन 16th ऑफ जून, दैट इज़ योर MA इंग्लिश एंट्रेंस 2023। सो सॉरी फॉर द डिले, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम पर्सनल वर्क, दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो। सो आपका जो पेपर था, आई नो मैंने आपको पहले ही बोला था दैट एम सी क्यू पोर्शन विल बी टफ, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन दैट वॉज वेरी वेरी ईजी, एज आई विल टेल यू कैसे ईजी था वो। सो इसके बाद मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगी, ठीक है, जो आपके नेक्स्ट मतलब आपके जो जूनियर्स हैं, यू कैन गाइड देम ऑल्सो कि जिस तरीके का पेपर आया था, ठीक है, मैं उस पर ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो। सो बाकी आप बता दिया कीजिए किस पे वीडियो बनानी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता पता इतना ना, जिसमें मेरा मन करता है आई चूज़ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो कमिंग टू द एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो सबसे पहले जो है वो MCQ जो है वो कैसे थे, पर टॉक अबाउट दी MCQ। तो MCQ का क्या था, वो 30 थे, और 30 में से, ठीक है, एवरेज हर एक बच्चे को कम से कम 4 MCQ तो उसमें से आते ही होते हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने MCQ नहीं भी पढ़े होंगे ना, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, वो बच्चा भी उसमें से 4 MCQ तो कर ही लेगा, 4 MCQ, ठीक है, वो कर ही लेगा। अब 4 MCQ उसको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है, और 30 MCQs आपके टोटल थे, कितने बचते, 26। अब 26 में वो क्या लगाएगा, तुक्का लगाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि देयर वॉज नो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो वो क्या करेगा, अब तुक्का लगाएगा। तो 4 में से कम अगर बंदे के 6 भी सही हो जाएं, या फॉर दैट मैटर 7 भी सही हो जाएं, ठीक है, बाकी तो आपकी किस्मत है कितने सही हो जाएंगे आपके तुक्के, तो आप 10 मार्क्स जो है हर एक बच्चा अपने 9 या 10 नंबर तो MCQ में मान के ही चले, ठीक है। और जिसको कुछ भी नहीं आता था MCQ में, तो कहीं ना कहीं उनके 5 या 6 नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि आपके तुक्के सही हो जाएंगे, ठीक है, हो ही जाते हैं। तो MCQ की ये बात हो गई। अब आ जाएंगे आपके हम डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में। तो कमिंग टू द डिस्क्रिप्शन, सो यू हैव बीन गिवन 2 क्वेश्चंस, 1 ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड 2 ऑफ एसेज। तो लिटरेरी टर्म, तो आपको अगर आपने देखो कुछ भी नहीं पढ़ा था, और अगर आपने मेरी सीरीज़ 1 वाली वीडियो देख ली थी ना, मेरी सीरीज़ 1 वाली वीडियो, जिसमें मैंने आपको एक सीरीज़ 2 भी बनाई थी जिसमें लिटरेरी टर्म रह गई थी कुछ, तो अगर उन वीडियोस को आपने देख लिया होगा ना, ठीक है, तो उन वीडियोस में मैंने आपको ओड के बारे में भी बताया था, मैंने आपको बैलेड का भी बताया था, मैंने आपको यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा के बारे में बताया था, ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड यू कि नोवेल पढ़ लो, नंबर 1 पॉइंट पे ही थी वो नोवेल। नोवेल के आपको टाइप्स भी पढ़ने थे, ये नहीं सिर्फ नोवेल ही पढ़ लो, उसके टाइप्स भी पढ़ने थे, पिकरेस्क नोवेल है, एपिस्टोलरी नोवेल है, पिकरेस्क नोवेल आपको आई हुई थी, पिकरेस्क आई थिंक पिक्चरेस्क जो भी है ना, तो नोवेल आपको ये आई हुई थी, ठीक है। नोवेल में एपिस्टोलरी नोवेल होती है, देर आर गोथिक नोवेल, एपिस्टोलरी जो होती है जो लेटर्स के फॉर्म में लिखते हैं नोवेल, ठीक है, गोथिक यू ऑल नो दैट डील विद दी घोस्टली इवेंट्स बेसिकली, ठीक है, टेरर। तो अगर आपने सिर्फ वो वीडियो भी देखी होगी ना बच्चों, फिर भी आपको ये 4 के 4 क्वेश्चंस तो आते ही थे वहाँ, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, नोवेल की जगह आई थिंक वो पिकरेस्क नोवेल होगी, ठीक है, पिकरेस्क। तो आपको जो है ये क्वेश्चंस तो आते ही होंगे 4, तो 20 मार्क्स का यहाँ पे आपका टेम्पटेशन हो जा रहा था। अब और क्या क्वेश्चंस थे, और थे आपके इंडियन राइटर्स के थे, थीम्स ऑफ पोइट्री की, पता नहीं टॉपिक्स ऑफ पोइट्री इन प्यूरिटन एज कुछ ऐसा था, ठीक है। तो इंडियन राइटर्स में अगर आपने, अब आपने चलो वीडियो नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, तो आपने सेकंड ईयर के सिलेबस में आपके इंडियन राइटर्स थे, है ना, इंडियन राइटर्स आपके श्री श्री थे, विजय तेंदुलकर थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, अंबाई, टोबा टेक सिंह वाले, सादत हसन मंटो, है ना, फिर आपका जीवनंदा दास, फिर आपका जयंत महापात्रा, तो आप इनके बारे में भी लिख देते ना तो भी हो जाना था आपका, ठीक है। तो ये आपके इंडियन राइटर्स आ जाएंगे, बाकी आपको पता है इंडियन राइटर में मुल्क राजानंद है, फिर आपके आर के नारायण, वेरी वेरी फेमस राइटर, यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड 1 नोवेल बाय हिम, आई थिंक आपके सिलेबस में थी वो डार्क रूम, ठीक है, तो आप उसके बारे में भी लिख देते तो हो जाना था, ठीक है। तो ये थे आपके लिटरेरी टर्म। तो लिटरेरी टर्म जितनी मर्जी, मतलब
आठ के अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए तो डिफ़िकल्ट थी, लेकिन आपको तो उसमें से आठ के आठ थोड़ी करने थे, यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट फोर, तो क्या थी, ईजी थी। ठीक है, तो ईजी थी ये। अब ईजी थी ये 20 में से मैक्सिमम, जितने मैक्सिमम देखो, अगर किसी पर्सन के 10 मार्क्स एमसीक्यू में बन रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम मैक्सिमम 20 में से अगर लिटरेरी टर्म में उन्होंने तुम्हें दे भी दिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितना मर्जी अच्छा लिखा होगा तुमने, ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर दे दिए तुम्हें, ठीक है, 15 भी बड़े हो गए ऐसे तो 14 के नंबर दे दिए, ठीक है, 24 तो तुम्हारे यहीं पर बन गए। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम ऐसे की, अब किसी को ज़्यादा भी मिल सकते हैं, इट्स नॉट पर्टिकुलर कि आपको 14 ही मिलेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एस्टिमेट काइंड ऑफ, ठीक है, कि मतलब मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपको पता है बाकी हम गलतियाँ भी कर ही देते हैं, लिखते भी गलतियाँ हो जाती हैं, बाकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ऑलरेडी वैसे भी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अब क्या जाएगा, कमिंग टू दी एसेज, तो एसेज जो थे उसमें मैंने आपको बताया हुआ था एजेस के बारे में, तो हाँ, एक आपको रेस्टोरेशन एज आई हुई थी, ठीक है, रेस्टोरेशन एज कौन, में चार्ल्स जो है वो किंग रेस्टोर हुआ था क्राउन में, ठीक है, तो रेस्टोरेशन एज थी। फिर आपके मॉडर्न पोइट्स थे, मॉडर्न पोइट्स थे, और आपके थे सोशल मीडियम इन लैंग्वेज टीचिंग, सोशल मीडियम इन लैंग्वेज टीचिंग। तो सोशल मीडियम में क्या जाना था आपका, मीडियम क्या होता है, थ्रू विच मैसेज इज कन्वेड, मीडियम इज, मैंने आपको पहले भी बताया था बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह में भी आपको बताया था, मीडियम क्या होता है जिससे आप अपना मैसेज कन्वे करते हो, मीडियम इज काइंड ऑफ चैनल थ्रू विच योर मैसेज इज कन्वेड टू द अनदर पर्सन। ठीक है, सोशल क्या होता है, सोशल मीन्स जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो, ऐसा कौन सा मीडियम है आजकल जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, इट्स यूट्यूब, योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, फेसबुक नहीं पर मेटा बोलते हैं ना उसको आजकल, तो चलो जो भी है, ठीक है, तो सोशल मीडियम इन लैंग्वेज टीचिंग में आपके ये सारे मीडियम्स आ जाने थे। ठीक है, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग जो है वो एक अलग एरिया है, आपको पता ही था ना, अब इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ था, किस में पढ़ा था, बिजनेस कम्युनिकेशन में, इतना तो पता ही था ना कि वो मास कम्युनिकेशन में आता है। सोशल मीडियम की बात आएगी तो यू विल मेंशन द नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ड्रामेटिस्ट का, एक था ड्रामेटिस्ट प्लेराइट जो भी था आपका फेवरेट था कि क्या था, है ना, तो प्लेराइट आपको पता है, प्लेराइट जो ड्रामा वगैरह लिखते हैं, ड्रामास वगैरह, है ना, तो आप इसमें विलियम शेक्सपियर के बारे में भी जो है वो बता सकते थे। यू कैन टॉक अबाउट मार्लोव, जो भी आपके यूनिवर्सिटी विट्स में आपको बताया था, ठीक है, मार्लोव के बारे में आप बता सकते थे, तो आपको शेक्सपियर के बारे में पता था, आधों ने तो मुझे लगता है मर्चेंट ऑफ वेनिस लिख दी होगी उसमें भी, तुम लोगों को मुझे पता ही है तुम हरकतें वैसी करते हो सब। ठीक है, तो अब क्या है कि ड्रामेटिस्ट प्लेराइट में शेक्सपियर के बारे में कि वो उसको पोइट्स कॉर्नर में दफनाया था, उसने कितने प्लेज लिखे थे, ठीक है, आई थिंक 38 प्लेज ही हैज रिटन, 38 प्ले, 154 सोनेट्स, तो वो सब आपको इसमें बताना था। उसने शेक्सपियर इन सोनेट के बारे में भी लिख सकते थे आप इसमें कि ही हैज़ इन्वेंटेड हिज सोनेट, है ना, राइम्स की भी इसने खुद इन्वेंट की थी, तो शेक्सपियरियन थी इसकी। फिर आप बता सकते थे इसकी मैक्सिमम थीम्स क्या होती थी, एलिजाबेथन एज से ये बिलोंग करता था, तो यू कैन राइट इन दिस वे। ठीक है, और एक और चीज़ थी एमसीक्यूज में, क्या था आपको एमसीक्यूज में वो आया था ना, आपको लिटरेरी टर्म वगैरह भी आए हुए थे, लिटरेरी टर्म आई हुई थी, एक मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो ये बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा आपके एग्जाम के बाद कि क्या है, तो ये एंटीथेसिस है, इट्स एन एंटीथेसिस। ठीक है, एंटी, एंटी मीन्स दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आर पुट टुगेदर, दो डिफरेंट स्टेटमेंट है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, प्रपोज करना और डिस्पोज करना दो डिफरेंट चीज़ें, मैन और गॉड डिफरेंट है ना, तो जब एंटीथेसिस क्या होता है, व्हेन टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स आर प्लेस टुगेदर। ठीक है, समझ गए, तो इसमें क्या था अब आपका, तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें अब, ठीक है, अगर हम ओवरऑल एनालिसिस अब करते हैं, आपको मेटाफर की डेफिनेशन भी आई हुई थी आई थिंक एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज जो है वो हमेशा ही आपको नेट के उसके पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट के, तो उसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो, अब किसी के 10 एमसीक्यूज में भी आ रहे हैं, 14 या 15 मान लिए उसको, वहाँ पे भी दे दिए। ठीक है, अब ऐसे आपको अगर कोर्स वगैरह आपने अच्छा लिखा है, आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा है, तो 20 में से ये कितने हो गए, 25 हो गए ना, 20 में से हाईएस्ट वो आपको कितने दे देंगे, 13 या 14 या मैक्सिमम 12। ठीक है, तो आपके कितने बन गए इससे, 32 प्लस बन गए ना आपके मार्क्स। ठीक है,
38 अराउंड इतने बन जाएंगे। तो ठीक है, तो अब मैं आपको कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ आर वीडियो कंसर्न्ड, टॉपिक क्या है हमारी वीडियो का, कट ऑफ। ठीक है, तो फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ कैन गो 34 प्लस, मीन्स 33 या 34 से ऊपर आपके हैं, आपके 34 या 33 भी हैं, सो यू आर इन मेन कैंपस ऑफ HPU। नेक्स्ट, अगर आपकी जैसे EWS की कैटेगरी है तो उसमें कम जाएगी, जैसे मैंने आपको जनरल की बताई 33 या 34, है ना। अगर आपकी EWS है तो आपके आ सकते हैं मतलब 31 या 32। ठीक है, लास्ट मेरिट की बात कर रही हूँ ये मैं, ठीक है, लास्ट जो उठाते हैं ना वो मेरिट लिस्ट में। फिर अगर आपकी जो है वो बाकी और कैटेगरीज हैं ST SC जो भी है, ठीक है, उसमें आपकी जा सकती है, मीन्स इनकी 31 32, तो 29 30 अराउंड। ठीक है, तो ये आपकी मेरिट जो है वो जा सकती है, और एक दो नंबर्स का इनमें फ़र्क पड़ सकता है, जनरल की 30 34 होगी कि 32 हो सकती है। ठीक है, एक दो नंबर का मैंने ऑलरेडी आपको फ़र्क बता दिया हुआ है इसमें। ठीक है, सो दैट्स ऑल। बाकी अगर किसी को भी कोई परेशानी है, कुछ और पूछना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सो यू आर फ्री टू आस्क। और लिटरेट हम बहुत ईजी थे, फिर भी तुम पागलों ने नहीं किए होंगे तो मुझे पता ही है, तुम्हारी हरकतें वैसी ही होती हैं। अच्छे से लिखना था, तुम लोगों को बोला था ओड बैलेड हर चीज़, ओड के भी आपको टाइप्स लिखने थे, पिंडारिक ओड है, होरेशियन ओड है, काउलियन ओड है, इनके टाइप्स भी लिखने थे, बैलेड है, बैलेड आपको फर्स्ट बैलेड भी लिखनी थी, फर्स्ट बैलेड कौन सी थी, चेबीचेज। ठीक है, तो आपको ये सब भी मेंशन करना था, मैंने आपको बताया हुआ था सब कि आपको हर चीज़ मेंशन करनी है। ठीक है, यूनिटीज ऑफ ड्रामा, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। तो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।